नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी पुलिस का अभी फिजिकल होने वाला है, उसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन एक जारी की गई है, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई है। दोस्तों, इसको जानते हैं और यह देखते हैं क्या क्या इसमें अपडेट किया गया है जो कि फिजिकल के संबंधित में है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जानने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट या फिर वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्या क्या इसमें अपडेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों विज्ञापन देख लिया है, दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी पोर्टल पर रह गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर यह दिया गया है। ठीक है, वह दोस्तों आज ही अपडेट हुआ है। दोस्तों, इसमें कहा गया है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PAS पदों पर सीधी भर्ती है की प्रक्रिया अंतर्गत ऑफलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजित किए जाने की प्रक्रिया को यह इसमें बताया गया है। यानी कि दोस्तों, आप यह आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो कि फिजिकल होने वाला उससे संबंधित यहाँ पर न्यूज़ अपलोड की गई है, तो सभी को जानना है, बहुत ही जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस न्यूज़ को अपन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इसने अपडेट किया है और इसे क्यों डाला है उत्तर प्रदेश की यानी वेबसाइट पर। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो दोस्तों मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है, तो इस पर आप अगेन बनाएगा तो मैं फिर से इसको डाउनलोड कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों यह डाउनलोड होगी, तो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक यह ओपन हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही यह ओपन होगी, सबसे पहले यहाँ पर लिखा आएगा यह दोस्तों कहाँ किसने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती बोर्ड से आई हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों, यह किसके संबंध संदर्भ में है। दोस्तों, यह अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता यानी कि जो आवेदक है उनकी फिजिकल परीक्षा के आयोजित किए जाने की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों, सभी को जानना है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी आप पर मिस्टेक ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह जो विज्ञापन यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया था दोस्तों 23 तारीख को यहाँ पर किया गया था, लेकिन जो वेबसाइट पर अभी अपलोड किया गया है, जो कि दोस्तों 23 तारीख को यह इशू किया गया था, लेकिन वेबसाइट पर इसको अभी अपलोड किया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है दोस्तों अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो सबसे अच्छे नंबर पाएंगे उनके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों शारीरिक दक्षता या फिजिकल परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में दौड़नी होगी। ठीक है, यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में दौड़नी होगी, और वही महिलाओं के लिए दोस्तों 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में दौड़नी होगी, यानी 14 मिनट में इसमें निकालना होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी, जिसका स्वरूप निम्न है। ठीक है, ये दोस्तों जो फिजिकल होने वाला है जो इन्हीं के अंडर में होगा, जैसे कि जनपद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम से डिप्टी कलेक्टर रहेंगे यहाँ पर, और दोस्तों जनपद के मुख्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सा अधिकारी रहेंगे यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर रहेंगे पुलिस अधीक्षक यानी कि SB की निगरानी में है। सब का जो भी प्रक्रिया होगी वह सब प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर जाने वाले हैं दोस्तों, यह समिति वर्चुअल टाइपिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें दो कहाँ क्या किया गया है कि CCTV कैमरा इसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, जहाँ पर कवरेज सभी जगह का कवरेज मिल सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी या टाइमिंग चिप्स भी बांधी जाएंगी स्टूडेंटों के लिए, जब दौड़ते हैं तो उनका फिजिकल होता है, तो सभी उपकरण उपयोग किए जाएंगे। उसके साथ बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, परिवर्तन से बचने के लिए किया जाएगा। तो जो यह जो होने वाला है सब डुप्लीकेट या कोई फर्जी आवेदक ना आ जाए, इसलिए है इतनी कड़ी पाबंदी के अंदर में फिजिकल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बाद चौथी बात यहाँ पर कहा गया है कि समिति नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी। ठीक है, यानी कि समिति जो बनने वाली है वह इन प्रक्रिया का पालन करेगी। प्रक्रिया कौन कौन सी है दोस्तों, बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अवधारणा किए जाएगा, और उनका निश्चय परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल
संख्या में विद्यमान दशाओं पर आधारित होगी, यानी कि जो भी हर दिन एक जितने भी संख्या में या यहाँ पर फिजिकल होगा वह सब एक निश्चित संख्या के आधार पर ही होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी, यानी कि आप फिजिकल होता है तो यदि आप उसमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई होते हैं तो सभी के यहाँ पर साइन होंगे, जो कि मैं पहले ही इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, यह तीसरा पॉइंट है, क्या कहा है दोस्तों, कहा गया है कि दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम स्थल सूचना के दिन ही समाप्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक, यानी कि जिस दिन आप फिजिकल देने जाएंगे उसी दिन इसका रिजल्ट आ जाएगा और वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि वेबसाइट पर भी डल जाएगा, ठीक दोस्तों। और आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूपीपी की वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें और कुछ भी खास नहीं है दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन दिया गया यह सब कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर अपर सचिव भर्ती के साइन रहे थे दोस्तों। यह अपडेट यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में या फिर नए अपडेट के साथ। यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया अपडेट रहेगा तो आप तक पहुंचने में उसको आसानी रहेगी, ठीक है। चले तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।